आपको मैं एक मैजिक हीट बताऊंगा, हालांकि हम क्लास में इसके भी अलग बताते हैं कुछ। 300 पे हीट रख लो और 30 पे या और टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 037 मतलब 40 मिली एम्पियर तक जा रही है और उसके बाद फिर वापस आ जा रही है, ठीक है, नोटिस करो। तो 40 मिली एम्पियर तक जाना, इसका मतलब ये है, ये टेक्निक हमें स्टूडेंट को सिखानी है। एक बार में रिबॉल, क्योंकि एमएमसी को बहुत हद तक सेव रखना पड़ता है हीटिंग से। सो हाय हेलो, कैसे आप सभी लोग, मैं देवोत्तम अग्रवाल। आज हम देखने वाले हैं कि हम ब्लैक पेस्टेड एमएमसी को किस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यही बोर्ड का हमने कल पावर किया था, इसी बोर्ड का अब एमएमसी भी करते हैं। एमएमसी को सही तरीके से निकालना है, ये बड़ा टास्क हो सकता है, बट आपके लिए नहीं होना चाहिए। जो प्रैक्टिस करेगा उसके लिए बिल्कुल भी नहीं होता है, और जिसका हाथ सदा होता है और जो डेली अच्छी टेक्निक से के साथ काम करे, तो ऐसे टेलीकॉम के अंदर एमएमसी पढ़ाने का काम मिलन सर करते हैं, और ब्लैक पेस्टेड वाली जो क्लास होती है वो भी मिलन सर की होती है। तो उनकी टेक्निक वर्ड की सबसे बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर ब्लू कट करना है, सब सारी चीज़ें बताते हैं। बट यहाँ मैं आपको एक बेसिक टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपनी दुकान में बैठ के भी काम कर सकते हैं, बट आपको इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। हीट टेम्परेचर सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम इस बोर्ड को पीसीबी होल्डर में लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमें एमएमसी को बाहर करना है, ठीक है। अब सेफ्टी के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो इसकी हम बात करते हैं। एक टेप है, ये आप टेप परचेस कर सकते हो रामराज टूल या जेडएक्स मलिक से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेप ने आपने किस तरीके से यूज़ करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। टेप बनाई इसी के लिए, ये हीट रेजिस्टेंट टेप जैसे आप उसको बोल सकते हैं। इस टेप का काम हीट को रेजिस्ट करना है, मतलब रोकना है। सबसे पहले हम ग्लू कट करेंगे साइड का, और हम काइंडली का ब्लेड यूज़ करेंगे। हीट हम रखेंगे 270, और एयर हम रखेंगे 40। तो जो आपको स्क्रैपर है वो आईसी की ओर चलाना है, ठीक है, हल्का हल्का सा। देखिए इस तरीके से जैसे मैं चला रहा हूँ, कंपोनेंट निकालना नहीं है, और निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो फ्रेशर है, आप ये बात समझिए, धीरे धीरे ही सारी टेक्निक, धीरे धीरे सब कुछ सेट होता है, कुछ भी एक दिन में नहीं बनता। शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है, जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे और नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। क्योंकि ये काम अगर इतना आसान होता तो कोई भी ऐसे कामों के लिए बड़ी फीस नहीं देता, कहीं दूर सीखने नहीं जाता। ये काम की इम्पोर्टेंस यही है ना, क्योंकि ये काम करना सब चाहते हैं पर सब इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सब बहुत जल्दी भी रहते हैं, पर जो समय देता है वो काम में किंग बन जाता है, और काम से वो पूरा पैसा भी निकाल लेता है, और अच्छा खासा अपने घर की कमाई, पूरा घर का नक्शा बदल सकते हो उस काम से आप। बट प्रॉब्लम ये है, अगर आप भगोगे किसी भी एक जगह से, अगर आप कंफर्ट जोन में काम करना चाहोगे, अगर आप ये सोचोगे कि मुझसे नहीं हो रहा है पहली बार में दूसरी बार में, तो आप दुनिया के सबसे बड़े लूज़र में आओगे। क्योंकि मुझसे नहीं होगा पहली दूसरी तीसरी बार में,
ये भूलने की जरूरत नहीं है इस काम को। ये काम तुमसे कह ही नहीं रहा कि तुम 2 बार में ही पूरा डन करो। ये काम तुमसे कह रहा है कि मुझे कम से कम 120 बार करो। 2 बार तो तुम बहुत ही नालायक हो कि सिर्फ 2 बार में बोल के ये सोच रहे हो। तो इसलिए जब भी हम कॉम्पोनेंट पढ़ाते हैं रजिस्टर, तो हम ऐसा स्टूडेंट से बोलते हैं कि आप रजिस्टर को डेली पढ़ेंगे, क्योंकि हर सेक्शन में रजिस्टर है। सीपीयू के टाइम पे हम जब सीपीयू के डेट सेक्शन में जाएंगे या एमएमसी की क्लास होगी तो भी रजिस्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो कुछ भी आपका डे वन पे ख़त्म नहीं होता है, शुरुआत होती है जबकि आपकी नई क्लास। पर कुछ स्टूडेंट एक दो ऐसे माइंडसेट के स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि मुझे तो सब कुछ एक दिन में ही आना चाहिए। और ज़्यादातर ऐसे माइंडसेट के स्टूडेंट ना स्कूल जाते हैं, ना उन्होंने कभी कोई शिक्षा ली है, उनका आईक्यू लेवल भी खुद का बहुत कम रहता है। तो बट क्यों? क्योंकि उनको लगता है मैंने तो पैसे दिए हैं, मेरे को तो सब ये नहीं होना चाहिए। हालांकि एसआर टेलीकॉम में ये बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमारी पढ़ाई ही ऐसी है, हमारी टेक्निक ही ऐसी है कि बच्चों को प्रैक्टिकली सब समझ में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ सारी चीज़ प्रैक्टिकली होती है। हम रजिस्टर को केवल बोर्ड में नहीं दिखाते, हम बच्चों से खुद प्रैक्टिकल चेक करवाते हैं, उनसे ढूंढने के लिए बोलते हैं और उनसे चेक करवाते हैं। देखिए आप यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि नीचे जो लाइन है ग्रीन कलर की, वो लाइन डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ग्रीन कलर की लाइन डैमेज हो गई तो आपका जो सरफेस ट्रैक है वो निकल जाएंगे। ये देखो आप दिख रहे हैं यहाँ पर ब्लैक कलर के, अब यहाँ पे आप कैसे इसको करोगे, ये देखो अगर आप इस स्क्रैपर को ज़्यादा चलाओगे तेजी में तो ये स्क्रैच तो आपकी आएगी आएगी, नो डाउट। अब खाली एक साइड बचा हुआ है, हल्का हल्का सा चलाना है ऊपर ऊपर से। मैं बस स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, आपको अपने सिखाने वाले को समय देना पड़ेगा, आपको खुद को समय देना पड़ेगा और आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा, तो आप सफलता से मंजिल में पहुँचोगे। ये कोई रेस नहीं हो रही कि मुझे एक ही बार में पहुँचना है, ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है? और जब कर लोगे तो बहुत आसान लगेगा। फिर तो आप देखोगे कि ऐसे ऐसे लोग अभी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिन्होंने जो 8वीं जो स्कूल भी नहीं गए हैं वो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, कोई टीचर नहीं देखा, जिनको लिखना नहीं आता, जिनको स्पेलिंग भी सही से नहीं लिख पा रहे हैं, वो भी टीचर बन के बैठे हैं, तो ये तो है ही। और ये हमारी फील्ड में ही नहीं है, सारी फील्डों में है। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हमारी फील का रोना है, ठीक है? अब मैं ये टेप को कट करके इसके ऊपर से डबल टेप करूंगा, देखिए किस तरह से, ठीक है? ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आगे ये टेप की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप क्लास में आएंगे तो ये बिना टेप हम आपको करवाएंगे। अब हमें एमएमसी को बाहर करना है। इसके ऊपर जो लगे वो इसकी वाईफाई ऐसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है वाईफाई से, वो ये वैसे भी लगा ऐसी है और ये पेस्टेड है। हमें हमारा सीपीयू बचाना है। एमएमसी निकालने के बाद हम अपनी बोर्ड की रीडिंग भी देखेंगे क्या है। तो
इसको टेम्परेचर सेट करना है 350 और 40। थोड़ा सा साइड में पेस्ट डाल सकते हैं, बाकी डालने की जरूरत नहीं भी है। पेस्ट क्या करता है कि जो ग्लू है उसके अंदर के जो बॉलों को उसको सॉफ्ट करता है, तो एटलीस्ट पैड निकलने का खतरा एक थोड़ा माइनस हो जाता है। बिल्कुल सडनली काम नहीं करना है, कम से कम अपने 20 से 25 राउंड बनाने हैं, 60 सेकेंड तो चलाना ही चलाना है नो डाउट, और एकदम थोड़ा ऊपर रखना है, नीचे ऊपर नहीं करना है, हीट को एक ही दिशा में एक ही जगह से देना है। आप अपने 15 क्लॉकवाइज दे दीजिए और 15 एंटी क्लॉकवाइज दे दीजिए। ये देखिए आप ये साइड में देख सकते हैं, अगर कंपोनेंट आपका हिलने लग जाए तो आप समझना कि आपका हीट बहुत अच्छे से प्रॉपर जा रहा है। अब आपने हल्के से MMC के अंदर आपको स्क्रैपर डालना है, ये देखिए। तो इजीली हमने MMC को बाहर कर लिया है, ये देख सकते हैं कैसा ब्लैक कलर का एकदम यहाँ पर MMC है। MMC के अंदर काफ़ी NC पैड होते हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, NC पैड निकलने दो। हम इसकी डाटा शीट को भी पढ़ेंगे आगे, और आप जब हमारे पास आएंगे तो हम तो इसमें एक्सपर्ट हैं, हम तो आपको बहुत डीप लेवल पर पढ़ाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, MMC को ऊपर से थोड़ा सा क्लीन करते हैं। ठीक है, और पहले हम अपना देखते हैं कि हमारा रीडिंग कितना है हमारी DC मशीन का। हम यहाँ पर रोजिन भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसका यूज़ किया है पेस्ट का, और डायरेक्ट नहीं चलाएंगे, तो थोड़ा सा पहले से एक्स्ट्रा बॉल ले लेंगे। तो इससे इनका टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि कंपनी का जो टेम्परेचर इनका जो पहले से जैसे अभी निकली है ये 200 के ऊपर के टेम्परेचर में बनती है, 217 या जितना भी हो, पर हम इसको 183 टेम्परेचर पे वापस ले आएंगे। हमारे को किसी भी हद तक कोई इम्पोर्टेंट पैड डैमेज नहीं करना और कोई सरफेस लेयर को डैमेज नहीं करना है। ठीक है, ये होने के बाद हम डी सोल्डर वायर चलाएंगे। अब इतना करने के बाद हम थोड़ा क्लीन करेंगे बोर्ड को।
और हम चेक करेंगे कि हमारी जो बोर्ड की रीडिंग है वो क्या अभी हमें मिल रही है। और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे सीपीयू के आसपास कोई बॉल तो बाहर नहीं आया, तो ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है। अब हम मशीन की एक बार रीडिंग ले लेंगे। तो आप सब लोग देखिए कि क्या एक डीसी मशीन का रीडिंग हो सकता है इसमें। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हो आप यहाँ पर अभी आप देखो तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब की को शॉर्ट करेंगे। तो फिर से की को शॉर्ट करेंगे कि मेरा वायर हिल गया था। तो देखो जैसे मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, ये 037 मतलब 40 मिली एम्पियर तक जा रही है और उसके बाद फिर वापस आ जा रही है। ठीक है, नोटिस करो। तो 40 मिली एम्पियर तक जाना, इसका मतलब ये है कि ये MMC ढूंढ रही है अपना। तो देखो जो स्टक होना होता है ना, वो क्वालकॉम के अंदर होती है। मीडियाटेक के अंदर जनरली MMC उतारने के बाद आपकी रीडिंग 0 पे आती है रिटर्न होकर। ठीक है, अगर ये लो बूटिंग होती तो ये 20 मिली एम्पियर भी नहीं लेती, मतलब यहाँ पर ना 20 भी नहीं आता। अभी यहाँ पे 30 आ रहा है, इसका मतलब ये देखिए इसको, इसका मतलब ये कि ये आपकी MMC को ढूंढ रही है। क्योंकि अगर मान लो ऐसा होता तो ये फ्लक्चुएट करती, पर ये स्टेबल है। ठीक है, अब मैं छोड़ूंगा तो 0 पे आ जाएगा, इसका मतलब हमारा MMC एकदम ओके है, मतलब बोर्ड हमारा ओके है। अब हम सबसे पहले MMC को क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपने थोड़ा सा पेस्ट लगाना है और डी सोल्डर वायर चलाना है आपने, और अपनी आयरन का टेम्परेचर कम कर लेना है 320। ठीक है, अब आपने स्क्रैपर लेना है, तो मैं इस स्क्रैपर का यूज़ करने वाला हूँ। आप देख लो, ये बहुत से लोग आप इसकी फ़ोटो खींच के अपने टूल वालों को सेंड कर सकते हो, वही हीट लेंगे जो हमने IC उतारने के टाइम पे ली थी, IC का साइड ग्लू कट करते समय। तो आपको MMC का कलर और अपने ब्लैक पेस्टेड का कलर दोनों को जज करना बहुत जरूरी है।
नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे और अपनी इमेंसी को छील देंगे। तो सबसे पहले बीच में से पेस्ट निकालिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारी एमएमसी ये क्लीन हो रही है और आप मेरा मूवमेंट भी देख सकते हैं कि मैं अपने मूवमेंट के हिसाब से इसको हटा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। धीरे धीरे हाथ चलाना है। अगर यह आपके कस्टमर का सेट होता और आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख के आते हैं तो आप तीन में से दो फ़ोन को लिटा देते, ये बात ध्यान देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब इस बात का क्या क्यों बोला क्यों नहीं बोला, ये बात जब क्लास में आओगे ना मेरी तब मैं बताऊँगा। ये गोल्डन जो प्रिंट दिखाई दे रहे हैं ये सारे ईएमसी के टेस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो हमारी एमएमसी क्लीन हो चुकी है, आईपी यूज़ करेंगे उसके ऊपर थिनर। तो जो थोड़ा बहुत पेस्ट है वो अपना क्लीनिंग में ही क्लीन हो जाता है। चलो डन। तो आप देख सकते हैं कि मेरी एमएमसी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, ये एक फुली ब्लैक पेस्ट थी। अब इस एमएमसी को हम रिवॉल्व करेंगे। ये एक BJ221 एमएमसी है।
हमें स्टेंसिल चाहिए। तो एक स्टेंसिल मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगा, ये है MMC E2 ए फोटो की, चलो इसकी और हम पेस्ट बनाएंगे नया। ठीक है, पेस्ट को गीला, पेस्ट को थोड़ा सा उसका गीलापन कम करेंगे, ड्राई करेंगे पेस्ट को। ये है BJ221। इस तरह से बीच में रखना है, और इस तरह से एक बार में IC को रिवॉल्व करना है। साइड में जो हमारी बॉल बनी है एक्स्ट्रा, उसको हम अलग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बॉलों का सेट बिल्कुल सही आया है, बट हम उसको एक बार फिर से थोड़ा सा पेस्ट देकर हीट करेंगे। ये टेक्निक हमें स्टूडेंट को सिखानी है, एक बार में रिबॉल, क्योंकि MMC को बहुत अब तक सेव रखना पड़ता हीटिंग से। ये करना जरूरी है क्योंकि बॉल इससे अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। तो हमारा सिर्फ हमें क्लीन करके हमें अब बोर्ड में वापस फिक्स करना है। तो हम IC को साइड में रख देते हैं। और अब हम बोर्ड को लेंगे क्लीनिंग के लिए। ठीक है, क्लीनिंग के लिए भी हम यही टूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये खास तौर पे डिज़ाइनिंग क्लीनिंग के लिए हुआ है। हीट का यूज़ करेंगे, सेम वही हीट और एयर। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया है तो गलती है आपकी,
शुरू से वीडियो को अच्छे से देखो, क्या हीट बताई है मैंने निकाल ग्लू पेस्ट करने की, जो ग्लू को क्लीन करने की। आराम आराम से करना है, स्क्रैच नहीं देना है। ठीक है, दो हजार रुपये चाहिए। कब दो तो आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से क्लीनिंग करनी है। जो एनसी बोले उनको जाने दीजिए। अगर इनके हिसाब से कोई बॉल चली भी आती है तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ आपको माइक्रो जंपिंग की प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, नहीं तो आप करेंगे नहीं उसको कभी। क्योंकि अक्सर मैंने स्टूडेंट को देखा है कि वो खुद से कभी मौका नहीं निकालते हैं, वो तो जब आता है तब करते हैं और तब तक इतनी देर हो जाती है कि उनकी प्रैक्टिस ही नहीं होती और वो कस्टमर के साइड में सब कुछ करने की कोशिश सोचते हैं। तो आप देखिए कि कितने बढ़िया तरीके से क्लीन हो गए। ये रजिस्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ईएमसी में, नहीं तो ये ऑटो पोर्ट बना सकता है आपका। देखो ज़्यादा सा मैंने स्क्रैपर यूज़ किया है तो वो नहीं करना है, वो हमारी लाइनों को डैमेज करेगा। हमने अपनी ग्रीन लाइनों को डैमेज होने नहीं दिया है बिल्कुल भी। चलो अब देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो चुका है। ठीक है, अब हम बोर्ड को ठंडा करेंगे और आईसी को लगाएंगे।
इसके बाद मैं इसका सीपीयू का वीडियो बनाऊंगा इसी का। और बहुत सफाई से काम करना है, कॉम्प्रिंट निकालना नहीं है, ज़्यादा पेस्ट का यूज़ करना नहीं है। अगर आपके पास में हीट असिस्टेंट टेप नहीं है तो आप ये डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, इसके दो तीन लेयर निकाल के। देखो सारी टेक्निक है ना धीरे धीरे बनती है, जब आप इस लाइन में आ जाओगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। बट आपको ये गुरु तो चाहिए, नहीं तो इस लाइन में आप कभी आ ही नहीं पाओगे। तो सब जुगाड़ है। अगर आपके पास टेप नहीं है तो ये रोना मत कि टेप नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा। ये देखो मैं आपके सामने डबल टेप लगा के कर, कोई सीन नहीं। चार लेयर बना दो, पांच लेयर बना दो, क्या होगा? पहली की पहली वाली टेप जलेगी हल्की सी, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली तो ना जलेगी। ये तो सबके पास रहता है ना भाई, इतना फोल्डा वोल्डा का काम तो सब कोई हर कोई तीसरा पता तो करता ही होगा ना, क्योंकि तो बिना टूल के तो ये काम पॉसिबल ही नहीं है। अब हमारी आईसी टच होगी, उसके लिए हमें यहाँ पर पूरा जगह देना है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से आईसी हमारी मूवमेंट ना हो। अब हमें पेस्ट अप्लाई करना है और फिर हम आईसी को रखेंगे। तो जितने बॉल है उतने पेस्ट, ठीक है? पहले बीच में एकदम भर के पेस्ट मत देना, वो सबसे गलत बात होती है, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे तो आपकी आईसी मूव हो जाएगी। बाकी आईसी लगाते समय आपको टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको मैं एक मैजिक हीट बताऊंगा, हालांकि हम क्लास में इसके भी अलग बताते हैं कुछ। 300 पे हीट रख लो और 30 पे या और टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दबाजी में मत रहो। अब मैं आईसी लगाने जा रहा हूँ, चाहो तब हीट देना है, बट बेसिकली इस आईसी के अंदर जो बॉल्स हैं वो बीच में हैं खाली,
तो बीच में हीट दो। अब हल्का सा साइड में पेस्ट डालेंगे। ये देखो टेस्ट बाहर आना चालू हो गया। देखो आईसी को मूवमेंट करना होगा तो आईसी मूवमेंट कर लेगी, तो क्या उसको प्रॉपर टेस्ट मिला है। अब मैं टच करूंगा, एक बार बीच में से अब उसको हम ठंडा करेंगे MC 18। इसकी आवाज ही देख लो कितनी सॉलिड है। तो अब हम अपनी MMC को चेक कर लेते हैं कि क्या इसकी बूटिंग आ रही है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब मैं टिकट करने वाला हूँ। तो देखो ये मेरा टिकट कर रहा हूँ और मेरी रीडिंग देखो आप 200 प्लस होनी चाहिए, प्लस 200 प्लस के बाद 300-500 में फ्लक्चुएट होनी चाहिए। तो अभी आप देखो कि 200 प्लस मतलब ये पहला लोगो आ गया होगा इसका, ये देखो 300 चला गया, अभी 500 तक ही जाना चाहिए, वेट करते हैं। तो ये देखो 500 चला गया, डैट मीन अभी हमारा काम सक्सेस हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो और किस तरीके से करना है। इसका मैंने पावर भी बताया था, पावर का वीडियो भी डाला हुआ है, और अब इसका मैं CPU का वीडियो डालूंगा इसके बाद। तो तीनों वीडियो देखना।